हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक और फिट होंगे। तो जहाँ भी रहिए आप, हमेशा शादोबाद, खुशहाल और मुतमिन रहिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र कटिंग का आसान तरीका बताऊँगी, जिसे आप बिगनर्स भी कट कर सकती हैं और जो आप प्रोफेशनल वो भी कट कर सकती हैं। जौन सा भी आपका पसंदीदा आपका ट्राउज़र का स्टाइल है, जो कि आपको पसंद हो, जिसकी मेजरमेंट्स और साइज आपको अच्छा लगता हो, चाहे वो ब्रांड्स का हो या खुद से पहले से सिलाई किया हुआ, तो उसके मेजरमेंट्स कैसे आप कॉपी करेंगे, तो ये आज हम वीडियो में देखेंगे। यहाँ कपड़े को मैंने खोल लिया, खोल के बाद उल्टा करके मैंने बिछा लिया। दोनों किनारे वाली साइड्स मेरी तरफ है और ये मेरी फोल्ड वाली साइड है और ऊपर वाली साइड इसकी ओपन वाली साइड रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने मार्किंग करने के लिए आपने 3 इंच का मार्क बनाना है, और यहाँ पे 3 इंच का मार्क के बाद आपने इसको फोल्ड को अंदर की तरफ पलट देना और इसके ऊपर आपने रखना है अपना पसंदीदा ट्राउज़र, जोन सी भी आपको ट्राउज़र का सी। आपने ट्राउज़र की तय कैसे लगानी है, आपने उसका जो बड़ी वाली साइड उसकी होती है फ्रंट, आपने अंदर की तरफ कर देना और बैक वाली साइड की तरफ से उसको ट्राउज़र को फोल्ड करना है, और फोल्ड कर लेने के बाद आपने ऊपर 3 इंच के निशान के साथ मिला के अच्छी तरह से रख देना है। जितने भी इसमें कोई बलछल है या आड़े तिरछापन है वो आपने सारे हाथ से लेवल कर देने हैं, ताकि कोई भी चिनट और एक्स्ट्रा कपड़ा कहीं भी इकट्ठा ना हुआ हुआ। तो बाहर की साइड पे आपने ट्राउज़र के साथ मैच करते हुए एक लाइन बना देनी है, और ऊपर से 3 इंच की जो हमने लाइन बनाई थी उसको आपने फोल्ड कर देना है, ताकि हमें मार्किंग करते हुए कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आपने ट्राउज़र के साथ साथ बाहर वाली साइड पे ये मार्क लगा देना है। ट्राउज़र की लेंथ का मार्क लगा लेने के बाद आपने फोल्डिंग के लिए 3 इंच का मार्क लगाना है, और इससे ज़्यादा अगर चौड़ा रखना चाहती हैं तो आप ये निशान 4 इंच पर भी लगा सकते हैं। अब इनर वाली साइड की भी मार्किंग कर लेंगे। तो इनर वाली साइड के लिए आपने 2.5 इंच का निशान बनाना है, और 2.5 इंच का निशान आपने ऊपर आसन की लाइन तक मिला देना है। यहाँ से इसके साथ साथ रखते जाएंगे या रफली आप हाथ से 3 इंच का मार्क मेजर करके तो ऊपर तक ले जाएंगे। अब यहाँ से क्योंकि इलास्टिक की वजह से फोल्डिंग आई हुई होती है और गैदर्स होते हैं, तो आपको ये नहीं समझ आएगी कि इधर से कितना करना है। तो जिधर हमने जो 3 इंच का मार्क बनाया था, तो उसके यहाँ आसन से आपने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ ले जाना है, और फिर आपने इसकी क्रॉच की गुलाई दे देनी है आपकी जितनी भी है। तो यहाँ पे ये हमारी बैक के लिए मार्किंग हो जाएगी। तो अब हम इसमें क्या चेंजेस करेंगे, तो वो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, तो बाकी का पार्ट आप कीजिएगा। अब हमने क्रॉच वाली साइड से इसकी कटिंग कर देनी है, और कपड़ा हमने सेपरेट कर देना है। बैक की साइड से भी मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए तो यहाँ पे कटिंग कर दी है। आप ने जो मार्क लगाए होंगे आप उस पर कीजिएगा। मेरा ये वजह है कि मैंने ये कपड़ा श्रिंक नहीं किया तो छोटा ना पड़ जाए, इस वजह से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन बाई वाली साइड पे भी छोड़ा। तो यहाँ से अंदर वाली साइड पे जितने भी हमने मार्क्स लगाए थे आप उनके ऊपर कटिंग कर देंगे। यहाँ पे आपने पंचे को भी फोल्ड करना है, दोनों साइड्स पे आपने नोचेस लगा लेनी है, ताकि हमें सिलाई करते हुए जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आए और जितना मार्जिन रखा है हमें वो इंडिकेट हो जाए। तो यहाँ पे आपने फ्रंट वाली साइड पे हमने, ताकि बेल्ट इधर से ना मुड़े, आपने 2 इंच का मार्क लगा के तो तिरछे में कटिंग कर देनी है। बैक का पैनल भी हमारा बढ़ के आएगा तो आपने उसको भी तिरछे में कटिंग कर देनी है, क्योंकि हमने एक ही बार में इधर नेफे के लिए 3 इंच कपड़ा पहले से ही रख लिया था। अब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गैदर्स नहीं चाहिए, 2 इंच का निशान बनाइए, नीचे 1.5 इंच का बनाइए और तिरछे में इसको मिला दीजिए। और यहाँ से हमने बैक की जो क्रॉच की हमने गुलाई की शेप दी है, वहाँ से 1 इंच ऊपर लेते हुए आपने गुलाई की शेप देनी है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा आसन को लंबा नहीं करना, जैसे पहनने में खिंचाव आता है, फिर खिंचाव की वजह से पंच आउट होना शुरू हो जाता है। अब आपने बैक पैनल हटा लेना है, फ्रंट के ऊपर हमने डीप कटिंग देनी है। तो यहाँ पे फ्रंट के लिए भी मैंने इनर साइड पे 1 इंच की इधर कटिंग दी है पंचे तक। तो आपने ये निशान यहाँ पे 1.5 इंच पे लगा के, तो क्रॉच से शुरू करते हुए आपने पंचे तक 1.5 इंच का मार्क बनाना है और उसके ऊपर कटिंग कर देनी है। मैंने ये निशान 1 इंच पे लगाया क्योंकि मुझे ये कपड़ा श्रिंक नहीं किया था, तो कहीं
तंग ना हो जाए, इस रीज़न से मैंने इसको एक इंच पर मार्क बना के तो कटिंग कर दी है। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अपना और अपने रिश्तों का रखिए बहुत सा ख्याल, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और विज़िट कीजिए मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।